नमस्कार, मैं उप्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में अब कोरोना धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार घटकर 7,000 के नीचे पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों के आंकड़े में भी थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,990 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 190 लोगों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 10,116 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 1,543 पर पहुंच गई है। भारतीय नौसेना की कमान वाइस एडमिरल हरि कुमार ने संभाल ली है। मंगलवार को उन्होंने इंडियन नेवी चीफ का पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि हरि कुमार ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पदभार संभाला है, जो रिटायर्ड हो गए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर के ज्यादा भयभीत होने की वजह नहीं बताई जा रही है, क्योंकि इस खतरे की जद में देश की करीब 20% आबादी के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें अब तक कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता नहीं आई है। देश में हुए विभिन्न सीरो सर्वे यह संकेत देते हैं कि करीब 80% या इससे अधिक आबादी में कोरोना एंटीबॉडीज मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी की अगुवाई वाली सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 द्वारा गठित बोर्ड बनने के बाद बनी स्थितियों और सभी हितधारकों के पक्षों पर विचार करने के बाद सरकार ने बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संभावित रूप से अधिक संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन के कई देशों में फैलने से बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें मामलों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के लिए जांच बढ़ाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वहां वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करती देखी गई। इस मुलाकात के बाद कई मायने निकाले भी जा रहे हैं। ममता बनर्जी के शेड्यूल के अनुसार वो 1 दिसंबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी और उन्हें अगले साल अप्रैल में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आमंत्रित करेंगी। यूपी चुनाव से ठीक पहले ओमिक्रॉन ने योगी सरकार की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर के प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को साथ में बुलाकर के समीक्षा बैठक की और उन्हें हर स्तर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि निगरानी समितियां, सर्विलांस टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, डीएम और डीएसओ सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफी नाराज है। विभागीय गोपनीय सूचना के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विपक्ष शासित राज्यों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार चिंता बनी हुई है। टीकाकरण अभियान में विपक्ष शासित राज्य भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं दिखते हैं। हालात यह है कि महीनों से जारी इस अभियान के बावजूद एक भी विपक्ष शासित राज्य 90% लोगों को भी टीके की पहली खुराक उपलब्ध नहीं करा पाया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव मिलेंगे तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव वरुण कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि केंद्र और WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप झारखंड को भी अलर्ट पर रखा गया है। चीन की चालबाजी को देखते हुए अमेरिका ने बड़े कदम उठाए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ गठजोड़ कर ग्रेटर कोऑपरेशन के जरिए काम करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का मुख्य मार्ग हर हाल में 31 दिसंबर तक खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की पैकेजवार समीक्षा करने पहुंचे थे। चक्रधरपुर मंडल रेलवे को टाटानगर स्टेशन पार्किंग संचालन के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहा है। इसे टिकट केंद्र ड्यूटी वाणिज्य रेल कर्मचारियों को पार्किंग शुल्क वसूलने में लगाया गया है। रेलवे ने 2020 सितंबर के बाद से अभी तक 5 बार पार्किंग का टेंडर निकाला है, लेकिन 4 बार के टेंडर में किसी एजेंसी ने पार्किंग संचालन में रुचि नहीं दिखाई, जबकि रेलवे ने टाटानगर स्टेशन मुख्य गेट और बर्मा माइंस गेट के लिए टेंडर राशि को कम कर दिया है। देवघर और आसपास के लोगों का हवाई उड़ान का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। देवघर में बन रहा एयरपोर्ट विमानों के उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहां रनवे और टर्मिनल का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। देवघर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां टर्मिनल बिल्डिंग के समीप कार पार्किंग के लिए बनाया गया शेड में सोलर पैनल लगाया गया है। दुनिया की सबसे प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स में से एक ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ के पद पर कार्यरत थे। डॉर्सी के इस्तीफा देने के बाद कंपनी ने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया है।
जैक डॉर्सी के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी, IBM कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, एडोब प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी, डेलोइट ग्रोसरी स्टोर कंपनी, अल्बर्ट स्टोन कंपनी जैसे कई बड़ी कंपनियों के CEO पद भी भारतीय मूल के अधिकारी ही संभाल रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेप्यूटी डायरेक्टर, सहायक प्रोफेसर और अन्य के रिक्त पदों को भरने के लिए युवा उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं। यदि आपके पास स्नातक डिग्री है और आप सरकारी नौकरी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके पास सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का और अपना सपना पूरा करने का। धुंध के कारण जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार की सुबह लो विजिबिलिटी बनी रही है। आसमान में मात्र 700 मीटर की विजिबिलिटी ही थी। इस कारण से सुबह में दिल्ली समेत अन्य शहरों से आने वाली 3 फ्लाइट्स 50 मिनट से भी 1 घंटे तक हवा में चक्कर काटती नजर आई थी। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव को प्रशासनिक नियुक्ति कर दी है। आखिर क्या वजह रही कि 2007 में 2583 रुपए प्रति शेयर उच्चतम स्तर पर कारोबार करने वाली रिलायंस कैपिटल की शेयर 29 नवंबर 2021 तक आते आते सिर्फ 19.05 रुपए रह गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में एक नया क्रिप्टो बिल पेश करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र की NFT के रेगुलेशन पर भी चर्चा की जा रही है। राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि हम संसद में से एक विधेयक लाने के करीब है। कैबिनेट की तरफ से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व स्टार क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित मुल्कों के लिए मदद की पेशकश करने पर भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत ने एक बार फिर से सेवा करने का साहस दिखाया है। दरअसल सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ओमिक्रॉन वेरियंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है और मेड इन इंडिया वैक्सीन और दवाइयों को आपूर्ति करने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को यहां 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की इस महामारी की चपेट में आने से जान भी चली गई है। वहीं अब इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अधिकारियों के साथ बैठक करते देखे गए। राजधानी में अभी कोरोना के 285 एक्टिव केस मौजूद है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स में 576 अंक तो वहीं निफ्टी में 166 अंकों की मजबूती दिख रही है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब सेंसेक्स 576.05 अंक या 1.01% की तेजी के साथ 57,836.63 अंक पर चल रहा है, जबकि NSE का निफ्टी 166.65 अंक या 0.98% उछाल कर 12,220.60 पर आ गया है। एयर इंडिया टाटा के पास चली गई है। अब इसके सुनहरे भविष्य का आकलन किया जा रहा है। क्या सचमुच ऐसा होगा कि इस पर चर्चा हो रही है। इस वजह से पिछले 2 दशक में एयर इंडिया ने लगातार अपनी साख गिराई है। पायलटों की हड़ताल हो या फिर परिसंपत्तियों का निष्क्रिय होना हो, कारण चाहे कुछ भी हो, ये तो सभी जानते हैं कि हाल ही के दौर में दूसरी विमानन कंपनियों ने जिस तेजी से उड़ान भरी है उसमें एयर इंडिया काफी पीछे छूट चुका है। टाटा समूह की कंपनी जॉनसन मैथेस इस प्रमुख व्यवसाय को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। सूत्रों की माने तो यह सौदा 500 से 700 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। जॉनसन मैथेस बैटरी मटेरियल्स और सॉल्यूशंस क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है। जहां जहां टाटा मोटर्स की कंपनी है वहां इसकी उपस्थिति है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने TGT और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट sschittorgarh.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले MCD की स्वच्छता कर्मचारी सुनीता के परिवार से मुलाकात की। सुनीता की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से मुलाकात की और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी है। CM केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक 2 सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ की राशि दी है। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि संसद में जनता की बात को उठाने के लिए माफी बिल्कुल नहीं मांगी जा सकती है। बुधवार से यह सभी निलंबित सांसद धरने पर बैठेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत ने सरकार को एक बार फिर से अपने फैसले की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। ओमिक्रॉन के संकट के बीच महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में एक बार फिर से स्कूल खोलने के फैसले को बदल दिया गया है। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 7 तक के स्कूल अब 1 दिसंबर से नहीं खुलेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इंद्रीश आलम, कमलेश भोजपुरी ऑफिशियल, संजय कुमार, आजाद इंडिया, सरोज कुमार सोनी, रोशन कुमार, सचिन सक्सेना, NK गांधी, एजाज गेमर, प्रवीण कुमार, रामानंद राजा, निरंजन कुमार, राजकुमार,
अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कपिल देव के जीवन पर आधारित फिल्म 83 सिनेमाघरों में कमाल कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।